Hey guys, I'm on this side, your yoga and fitness trainer. Hope you all are doing great. So, किवे चल रहे थोड़ा Valentine week. So first of all, happy Valentine week to all of you. This is Valentine week. So let's talk about love. क्या आपके दिमाग में भी सेम बात आई है ना कि फिटनेस और लव का क्या रिलेशन है? This is Valentine week, so this is for boyfriends and girlfriends. Why we are talking about it? Because Valentine week is not about boyfriend and girlfriend. This is about love. आप किसी से भी प्यार कर सकते हो. Like it may be your love to your parents. It may be your love to yourself. Why can't you love yourself? But लोगों ने इसे सिंगल और डबल का टैग लगा रखा है. That's why हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि ये इस एज ग्रुप के लोग ही वैलेंटाइन वीक मना सकते हैं और बाकी सब तो इसे मतलब बाकी सब के लिए ये कोई मैटर नहीं करता है. बट नहीं, इस वैलेंटाइन वीक, इस वैलेंटाइन डे हम खुद के साथ खुद को होना सेलिब्रेट करेंगे. और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है बॉडी शेमिंग. जी हाँ, सही सुना आपने, बॉडी शेमिंग. सेल्फ लव की बात हो रही है तो आप में से कितने लोग ये बोल सकते हो कि आप यू जस्ट से दैट आई लव माई सेल्फ. आई मे बी स्किनी, आई मे बी ओवर वेट, आई एम हैविंग नो टोन्ड अप बॉडी, स्टिल आई लव माई सेल्फ. आई डोंट थिंक सो एनी वन. मतलब कुछ लोग होंगे, नॉट आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली एनी वन, बट देयर मे बी फ्यू पीपल जो कहेंगे कि हाँ वी आर ओके विद आवर सेल्फ एंड वी लव आवर सेल्फ एज वी आर. बट रेस्ट, व्हाट अबाउट अदर पीपल्स? आई एम टॉकिंग अबाउट दैम. चलो तो स्टार्ट कर देते कि मैंने इस टॉपिक को वाई लाइक आई चूज़ दिस टॉपिक बिकॉज ऑफ मी. हम सब के बारे में बात करते हैं लेकिन सबसे पहले खुद के बारे में बात करना तो सीख लो, फिर आप दूसरों के बारे में बात करोगे ना. जी हाँ, मैं अपने बारे में बात करने वाली हूँ आज. मेरे को किसी ने कमेंट में कहा था कि यू आर अ फिटनेस ट्रेनर but your tummy is like not as it should be. You are professional, so you should maintain your fitness. You should look attractive in front of people. Then I am not disrespecting that person. That person is like I respect your views, but I just want to one thing. कि क्या आपको लगता है कि do I never realize this thing that I am having this issue? और इसका रीज़न मैं बता देती हूँ. आई विल जस्ट क्लियर विद एवरी वन दैट या आई एम एक्सेप्टिंग दैट सम टाइम इन माई वीडियो यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो दैट देयर इज समथिंग यू कैन से टमी इज बल्जिंग आउट और उसका रीज़न है ब्लोटिंग. देयर इज नो टमी फैट. मतलब हम सब भी ऐसे होते हैं कि वी स्टार्ट इग्नोरिंग अवर सेल्फ. दैट्स वाई आई एम कमिंग हेयर विद दिस टॉपिक सेल्फ लव एंड बॉडी शेमिंग. कि हम लोग इतने ज़्यादा अपनी प्रायोरिटीज़ में बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं रहता. सो सेम विद मी. लाइक आई एम गेटिंग टू मच बिजी शेड्यूल और उसकी वजह से आई जस्ट गॉट लिटल टाइम फॉर माई सेल्फ. और उसमें ये होता था ईटिंग एंड गोइंग टू वर्क, ईटिंग एंड गोइंग टू वर्क. दैट्स माई रूटीन. सो दैट्स बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई मेड. एंड वेन आई जस्ट गोट देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू चेक माई सेल्फ दैट व्हाट्स रॉन्ग विद मी, वाई इज़ इट हैपनिंग विद मी. और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ देखा होगा कि दे आर नॉट हैविंग एनी टमी फैट, स्टिल दे इफ यू आर लुकिंग एट दैम यू विल से दैट हाउ आर यू प्रेगनेंट. या इट्स वर्स फीलिंग. You are not pregnant and you still look like a pregnant lady because your stomach is like bulging like that. और इसका रीज़न ब्लोटिंग होता है. ब्लोटिंग का 3 रीज़न हो सकता है. इट मे बी ओवर ईटिंग, इट मे बी योर पीरियड्स क्रैम्प्स, पीरियड्स की वजह से भी ब्लोटिंग होती है, और इसमें भी गैस प्रोडक्शन इन योर स्टमक. तो तीनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है. ब्लोटिंग के बारे में अलग से बात करेंगे, बट इस टॉपिक इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बॉडी शेमिंग पे बात कर रहे हैं. सो देन आई नीड टू टॉक ऑन दिस टॉपिक टू एवरीवन. व्हाई आई नीड टू बी शेमफुल इन फ्रंट ऑफ पीपल? Why I need to be shameful in front of people if I'm following some unhealthy lifestyle and now I'm getting worse effect of it. So I need to check myself that this is happening wrong with me. I'm not doing wrong with someone. So why I need to be shameful? So first thing, accept yourself. आई एम सच काइंड ऑफ पर्सन कि मैं जो भी करती हूँ हमेशा खुद के लिए करती हूँ। आई नेवर रिग्रेट फॉर एनीथिंग। मैंने कुछ भी गलत किया है, कुछ भी सही किया है, मेरे को एक चीज़ पता है कि कुछ भी सही हो गलत हो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो और उस चीज़ को लाइक टेक इट एज मोरल। सो मेरे टर्म में ये हो रहा तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग, मतलब सबके साथ होता है कि यू जस्ट डू थिंग्स। अगर आप फिटनेस की बात करो कि मोस्ट ऑफ द पीपल फिटनेस में आते हैं, क्यों आते हैं? दे आर नॉट कमिंग फॉर देम सेल्फ। वो ये होता है कि हाँ वो इंसान पतला हो रहा है तो मेरे को भी पतला होना है। आप दूसरों के लिए दे नो, अगर सेल्फ लव इन्वॉल्व हो उस चीज़ में, जिस चीज़ में सेल्फ लव इन्वॉल्व होता है या फिर आप खुद से वो चीज़ करते हो तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए जाती है। लेकिन जब सेल्फ लव इन्वॉल्व नहीं होता है तो क्या होता है, थोड़ा टाइम चलता है फिर उठ जाता है। तो यही चीज़ मैं आपको बोलने जाती हूँ कि किसी भी चीज़ सबसे पहले जब भी कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, लाइक इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर फिटनेस रेजोल्यूशन देन डोंट गो फॉर पीपल कि आपके हस्बैंड ने बोला है, आपके मामा बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं। नो, डू इट बिकॉज इट्स गुड टू बी हेल्दी। और हेल्थ दो फैक्टर होते हैं, फिजिकल एंड इमोशनल। अगर आप फिजिकली फिट हो रहे हो और इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे हो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? सो डू इट फॉर योर सेल्फ। जब भी आप हेल्थ के फैक्टर में आ रहे हो खुद से आओ ताकि आपका मेंटल और फिजिकल एस्पेक्ट दोनों हेल्थ मेंटेन रह सके। So for two aspects of health, mental and physical. So being a fitness professional, if I am looking fit from inside and mentally it's just draining my mind that I should look good, I just need to fake everything because it's part of my profession, this is wrong. This will make my mental health worse. So I just choose to be open up in front of everyone that yeah, I am feeling bloating issue. When you started accepting that thing that you are having an issue, then you will get to know the root cause. So यही मेरे साथ हुआ। जैसे मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया then I go to know कि my main problem was I was doing overeating और overeating का reason था that I was eating fast. सो जब आपको प्रॉब्लम पता लग जाती है तो ऑब्वियसली सोल्यूशन भी साथ के साथ मिल जाता है। सो इसका सोल्यूशन यही था that I need to practice mindful eating क्योंकि ये like this is something that I would like to suggest to everyone कि अगर आपको बिना एक्सरसाइज के वेट लूज करना है so you just start practicing this thing. Once you start this thing you will get results soon without any exercise. If you want just to lose your extra fat then you can do it without exercise by just practicing that mindful eating. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपको chew your food 32 times चबा के खाना खाओगे तो आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे। तो मेरी टर्म में जिस खाने को मैं 5 मिनट लगाती थी सो आई नाउ इट टुक 20 to 25 minutes. सो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज आई एम हैविंग टाइम कंस्ट्रेंट, आई एम हैविंग टाइमिंग इशूज़। बट देन आई डिसाइड फर्स्ट observe your problem, then second one find root cause and third one find solution. Solution मिल जाने के बाद क्या आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि solution मिल जाना ही आपका like you will get rid of your problem. You need to work upon that. उसके लिए आपको पेशेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ उस चीज़ पे आगे काम करना पड़ेगा। And then what you will do? Then what I did. I'm saying about me, I'm not talking about anybody. So then I start eating और उससे क्या हुआ like then I practicing mindful eating. Then I go to that I'm getting better by myself. So I started using that technique everywhere. Like I'm doing mindful exercise practice. I just go to know that what is good for me and what I was doing wrong with me. So I bloating issue इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरे को पानी पीने से भी bloating हो रही थी। So I go to know that simple sentence. Drink your food and eat your water. और ये मेरे को लगता है कि आपके लाइक किसी की भी प्रॉब्लम को, किसी के भी हेल्थ इशूज़ हो रहे हैं या फिर कोई भी स्वेयर इशू हो रहा है, अगर आप ये एक सिंपल सी चीज़ पकड़ लो तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हाउ? खाना चबा के खाना है इस लेवल तक कि वो लिक्विड बन जाए और पानी को इतना स्लो पियो, इतना चबा के पियो कि वो आप खाने की तरह ले रहे हो, तो उसको बहुत ज़्यादा कि आपका सलाइवा है वो वाटर में मिक्स होना चाहिए। इतनी स्लो पियोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट। और यही मेरे साथ हुआ। नाउ आई एम गेटिंग 50% रिलीफ। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स 100% नाउ, बट आई एम ऑन द प्रोसेस। और किसी भी जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जब आप शुरू कर देते हो, लाइक यू गोट योर प्रॉब्लम, यू गोट इट्स रूट कोर्स, यू गोट इट्स सोल्यूशन, यू स्टार्ट डूइंग इट। लास्ट वन, स्टे कंसिस्टेंट। कितने टाइम के लिए आप उस पर कंसिस्टेंट रह पाओगे उस चीज़ से, लाइक कि उस चीज़ का सोल्यूशन या उस चीज़ का रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा, शॉर्ट टर्म मिलेगा। लाइक फॉर मी, इफ़ आई एम गेटिंग रिजल्ट और एंड आई लेफ्ट इट, देन इट्स डेफिनेटली श्योर दैट इट वुड बी फॉर शॉर्ट टर्म। So now I just need to be, and I'm saying to myself and everybody that when you're doing something, then do it for like taking a long term goals. Don't take it for a short term. जब भी short term goal लोगे आप shortcut मारने की कोशिश करोगे और उसका result मिल जाएगा, लेकिन वो revert back हो जाता है, revert back होती है चीज़ें। तो उसके लिए long term goals लो। And कभी भी कोई भी चीज़ अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने लिए करो, दुनिया के लिए नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन पिक लेके, मान लो आप दुनिया के लिए कर रहे हो, आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पिक लेके दुनिया के सामने जाओगे, अपलोड कर देते हो, देयर इज़ नॉट, आई कैन से दैट देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन जो आपको अप्रिसिएशन देगा। हो सकता है कुछ, मतलब 5% तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, मतलब 1% पीपल आपके प्रोफाइल में, आपके कहीं पर भी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, बाकी रेस्ट या तो चुप रहेंगे या फिर जेलस करेंगे। तो मतलब आज की डेट में इस चीज़ का कोई मैटर ही नहीं करता कि आप कोई भी चीज़ किसी और के लिए करो। डू इट फॉर योर सेल्फ, डू इट बाय योर सेल्फ। और किसी भी लाइक और सबसे बड़ी बात, बॉडी शेमिंग नहीं रखनी है। डोंट शेम अपॉन योर सेल्फ कि आप स्किनी हो, आप ओवरवेट हो, यू आर नॉट हैविंग टोन्ड अप बॉडी, यू आर हैविंग ब्लोटिंग इशू। हम सब लोग एक लाइक वी आर नॉर्मल पीपल, चाहे वो कोई फिटनेस प्रोफेशनल हो या फिर कोई कोई भी नॉर्मल इंसान हो, हम सब के लिए रूल सेम है कि अगर आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे, लाइक योर बॉडी, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करके खाना नहीं खाओगे, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे, तो यू विल गेट सिक, यू विल गेट अनहेल्दी। सो last but not the least, that's all for today's video, and कभी भी बॉडी शेमिंग नहीं करनी है। हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आप खुद से प्यार कर सकते हो। लव द स्टोरी, लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, एंड बी कॉन्फिडेंट विद वट एवर यू हैव। डोंट एवर हैव अ फीलिंग ऑफ बॉडी शेमिंग। Make this Valentine special for you by start loving ourselves. So wish you happy Valentine week. See you soon in the next video. Now, ये तो हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, do subscribe my channel. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पे नए हो, so do subscribe my channel. Press that bell icon so that you will get notification for upcoming videos. So bye bye guys. See you soon in the next video.